फाइलम है मोलस्का, MOLLUSCA। मोलस्का के पहले कल पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के पहले एनिलिडा, एनिलिडा के पहले पेलेटेहेलमिंथी, स्नेमेटोडा, यानी कुल मिला के प्रोटोजोआ से शुरू हुआ था, प्रोटोजोआ से आर्थ्रोपोडा तक पहुंच गए थे। अब जो अगला फाइलम है वो है मोलस्का, मोलस्का MOLLUSCA। मोलस्का में वे जंतु आते हैं जो विशेष तौर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट माने कैसे, बहुत कोमल, जिनका शरीर बहुत कमजोर कोमल होता है, इसलिए शब्द दिया है सॉफ्ट, SOFT, जो लैटिन भाषा से लिया गया है मोलस्क। लेकिन इसकी एक विशेषता होती है, इनके ऊपर एक कवच होता है, हार्ड कवच, जैसे अपन लोग शंख बजाते हैं पूजा, उसको घोंगा बोलते हैं, पाइला, तो उसके जीव को हटा के साफ करके अपन लोग उपयोग करते हैं, तो उसके अंदर जो जीव पाया जाता है वो घोंगा कहलाता है, पाइला कहलाता है, तो पाइला के ऊपर कवच होता है, शैल बोलते हैं जिसको, तो कुल मिला के। लेकिन जंतु कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, जब उसे गति करना होता है उस कवच से माउथ पार्ट निकालता है, और जब कोई परेशानी होती है, दुर्घटना होती है, सुरक्षा का काम है, वो उसी के अंदर बंद हो जाता है, ऊपर से कवच ढके रहता है। तो कुल मिला के जो लैटिन भाषा में दिया है वो सॉफ्ट, मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट जंतु। अब इसकी थोड़ी सी जानकारी में, जो मोलस्का के जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, मेलिकोलॉजी, MELLOGY, मेलिकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का के जंतुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा है, इसमें लगभग 80,000 जातियां पाई जाती है, हालांकि ये बहुत बड़ा फाइल हमें, क्योंकि समुद्र में पाए जाते हैं जीव जंतु, जल में पाए जाते हैं मोस्टली, तो ये बहुत बड़ा दूसरा सबसे बड़ा फाइल हमें, जैसे पहले आर्थ्रोपोडा बताया था, उसके बाद काफी जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कवच होता है, शैल, सीड वाले नहीं, कवच उसको शैल बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, उसके अध्ययन को CHOLOGY ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कवच का अध्ययन किया जाता है। और जो वैज्ञानिक थे जॉन स्टोन, JONSTON, जॉन स्टोन ने सन 1650 में इस फाइलम की नाम दिया था, क्या नाम दिया था, मोलस्का। तो क्या क्या है, तीन चार चीजें, सबसे पहले मेलिकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, और वैज्ञानिक थे जॉन स्टोन, जॉन स्टोन ने इसके बारे में नाम दिया था कि ऐसे जंतु जो सॉफ्ट होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं और एक कवच से ढके रहते हैं, उनका नाम दिया मोलस्का। अब कवच से तुमने देखा होगा न्यूक्लाइना, यूनियो, पाइला, ऑक्टोपस और सीपिया, ये जंतु सभी इसी में आते हैं, किसमें, ऑक्टोपस तो सरल होता है, उसके ऊपर कोई कवच नहीं होता, तुमने देखा होगा माउथ पार्ट जैसे चार पांच छह भाग निकले रहते हैं और उसी से गति करता है, तो ये देखा होगा आपने भी ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को देखा होगा, न्यूक्लाइना तुम देखो, यूनियो, पाइला, ये बताइए वो बालू में छोटी छोटी प्लेटें डली रहती है दोनों तरफ से बनी हुई, तो क्या कहलाती है, यूनियो, और संघ जैसा होता है वो हमने बता दिया पाइला होता है। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है। अब तीन चार करेक्टर देखिए, सबसे पहला तो हमने आपको बताया ये जंतु समुद्र में पाए जाते, मेराइन होते हैं, जल में पाए जाएंगे ये तीन पर या टेक्सियल स्थली नहीं होती अधिकतर, दूसरा बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, बाइलेटरल माने द्विपार्श्वमिति और तीन स्तर के बने होती है, तो पहले से पता है। अगला है इनका शरीर भी तीन भागों में मोस्टली बना होता है, हेड, फुट और मेंडल, आर्थ्रोपोडा में क्या पड़ा था, सिर, वक्ष, हेड, ट्रंक, टेल, एब्डोमेन, इसमें क्या है, हेड, फुट और मेंडल, तीन भागों में फाइलम मोलस्का के जंतुओं का शरीर डिवाइड होता है, क्या क्या है, फुट, फुट एंड मेंडल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है, यू शेप्ड, यू के आकार की आहरणा होती है, क्या होती है, यू
शेप होती है, यानी इन जंतुओं में छोटा सा आकार होता है और घुमावदार रहता है, तो जो आहारदार होती है तो यू के आकार को यू शेप एलिमेंट्री कहला। भोजन पीसने के लिए जैसे वो आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है डिजायर्ड क्रॉप, जैसे अपना क्या होता है स्टोमक आमाशय होता है, आमाशय में क्या लुगदी बनती है, मिक्सर जैसा चलता है पूरा घूमता है भोजन स्टोमक में तब जाकर के ले लुगदी बनती है। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा में डिजायर्ड होता है, जैसे वो आटा पीसने की चक्की नहीं होती है वो पीसता है, ऐसे ही इस इन जंतुओं में भोजन पीसने के लिए रेड्यूला पाया जाता है। रेड्यूला इसमें मोलस्का के जंतु में भोजन पीसने के लिए रेड्यूला पाया जाता है। इसका रेस्पिरेशन श्वसन जो जलीय होंगे आपको बताया वो कैसे करेंगे, गिल्स से जो स्थल पर आ जाएंगे तो समय के लिए लंग से करेंगे और कुछ में PYCLELIDL। अनेक जंतु में अनेक प्रकार से मतलब लगभग 3-4 प्रकार से श्वसन करते रहते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का, रुधिर परिसंचरण तंत्र खुला हुआ होता है, खुला का मतलब धमनी शिराओं से ब्लड नहीं जाएगा सीधा एक सेगमेंट में एक भाग में, पहले किस में जाएगा वो हेड में जाएगा, फिर दूसरे फुट में जाएगा और फिर मेंटल में आएगा, खुद का तो मतलब बिगड़ डब्बा जाता रहता है और रेस्पिरेशन अगल बगल से करता रहता है। इसके बाद सेगमेंटरी सिस्टम, जैसे अपने शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसी प्रकार से हर जंतु हर पौधे में कोई पेड़ पौधा हरा रहे क्लोरोफिल के कारण, तो ये सब क्या है रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा पाया जाता है हीमोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनमें श्वसन वर्णक पिगमेंट कौन सा पाया जाता है हीमोसाइनिन, ये वाला हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है हीमोसाइनिन। इसके बाद उत्सर्जन के लिए किडनी होती है मेटानेफ्रिडिया होती है और केवल की ग्लैंड्स, किडनी द्वारा मेटानेफ्रिडिया द्वारा और कुछ जंतुओं में केवल की ग्रंथियां केवल ग्लैंड्स पाई जाती है, कुछ जंतुओं में ये भी विशेषता है कुछ एक्सक्रीशन के लिए। और लास्ट पॉइंट में दे सकते हैं ये 99% जंतु यूरिसेक्सुअल होती है, एक लिंगीय मेल अलग होता है फीमेल अलग कुछ छोड़कर, क्योंकि सब में अपवाद होता है मेल जंतु अलग होता है फीमेल अलग होता है यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होता है। ये किसके करैक्टर हुए फाइलम मोलस्का के मुख्य मुख्य करैक्टर हुए क्या क्या है, सबसे पहला करैक्टर है ये हेड फोटोमेंटल यू शेप एलिमेंट्री कैनाल भोजन पीसने के लिए रेड्यूला रेस्पिरेशन लंग्स गिल्स और यूरिया द्वारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइन ये वाला करैक्टर है हीमोसाइन वर्णक पाया जाता है ये ध्यान रखना। और एक्सक्रीशन का दिया है किडनी मेटानेफ्रिडिया और केवल की ग्लैंड से, और ये मोस्टली जंतु क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल। अब सभी एक और करैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है कभी आपने सुना होगा मोती हीरा मोती जवाहर सोना चांदी की बात कर रहे हैं, तो ये एक शब्द दिया है मोती का निर्माण भी इन्हीं जंतुओं से होता है, क्या है इंग्लिश में बोलते हैं PEARL पर्ल ऑस्टर, पर्ल ऑस्टर या मोती का निर्माण जब रेत के कण लार्वा या परजीवी आदि कोई भी सूक्ष्म जीव अचानक खोल या मेंटल के बीच प्रवेश कर जाता है तो एक प्रकार का क्षोभ उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप मेंटल की कोशिका इसको चारों ओर से घेर लेती है और एक स्टक करके एक कोश के रूप में मेंटल से अलग हो जाती है। इस कोश की एपिथीलियम कोशिकाएं एक प्रकार का नेक्रियस पदार्थ श्रावित करती है, इस पर ध्यान रखना नेक्रियस पदार्थ श्रावित करती है जो बाह्य रचना के चारों ओर एकत्र होकर के मोती का निर्माण करता है, कौन सा पदार्थ का नाम दिया नेक्रियस पदार्थ। कब करती हैं इनकी कोशिकाएं जब वो रेत के अंदर कण पहुंच जाते हैं तो कुछ चीजें पदार्थ श्रावित करती है, वो पदार्थ का नाम क्या दिया नेक्रियस पदार्थ, और नेक्रियस पदार्थ से कारण से जैसे वो हवा के संपर्क में आएगा उसको अपन लोग क्या बोलते हैं मोती, मोती का निर्माण। तो इन्हीं जंतुओं के द्वारा बहुत कीमती चीज होती है, ये तो हमने पहले बताया हीरा मोती, तो नेक्रियस नामक पदार्थ के द्वारा वो संपर्क में आ जाता है जल के, जल से हवा के, और उसका नाम अपन लोगों ने या वैज्ञानिकों ने क्या रख दिया मोती। मोती का निर्माण इन्हीं के जंतुओं के द्वारा होता है,
जब रेत या कण उसके शरीर के अंदर पहुंच करके, जैसे अपन लोग को नहीं कीटाणु विषाणु कुछ खा जाते हैं तो उल्टी आने लगती है, एक्स्ट्रा जी कोई कीड़ा भटक जाए, तो ऐसे ही ये रेत का कण जब पहुंच जाएगा तब उनकी क्रियाएं अलग होंगी और जाकर के किसका निर्माण करती है, मोती का निर्माण। इस प्रकार से जो लास्ट पॉइंट दिया, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमने आपको बताया सीपिया, ये सभी जंतु हैं जो मोती का निर्माण भी करते हैं। इस प्रकार से कौन सा फाइलम पढ़ा आप लोगों ने, मोलस्का। अगला और पढ़ेंगे अभी इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद कॉर्डेटा। तो अभी दो फाइलम और बचे, तो कल की वीडियो पढ़ेंगे अपन लोग कौन सा फाइलम, इकाइनोडर्मेटा।